नवाज शरीफ साहब के लिए क्या आपको लगता है, वो नाम के साथ शरीफ लगता है तो वाकई शरीफ है, या उनके लिए भी आप कुछ कहेंगी? देखिए, नवाज शरीफ का जितना मैंने सुना है या जितना उनके करीबी लोगों ने उनके बारे में बताया कि वो एक हम्बल इंसान थे, और ये भी थे कि वो मतलब किसी भी हाल में होते थे, चाहे वो जहाज़ की सीट पे होते थे, उनके साथ जो बहुत पर्सनल लोग होते थे तो वहाँ पे भी वो अल्लाह की इबादत कर रहे होते थे और नमाज़ पढ़ रहे होते थे। तो ये जब मैंने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में चीज़ें और मीडिया पे जब उनको बोलती हुई देखा कि बहुत सोच समझ के बोलना और वो सब, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी उनकी पर्सनैलिटी में कि एक मतलब जब वो हो और उसके बावजूद उसके अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हैं, हाइपर नहीं होता, बहुत सोच समझ के बोलते आवाम के लिए, वो तो वो एक अच्छी बात है। शरीफ उनके लिए आप अच्छी शरीफ ही यूज करेंगे, मतलब बेस्ट पर्सनैलिटी। हाँ सही, चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सीक्रेट टैलेंट। ऐसे तो आप लोगों में बहुत सारे टैलेंट हैं, मल्टी टैलेंटेड लड़कियां हमारे साथ आज मौजूद है, लेकिन आप दोनों में ऐसे कौन सा टैलेंट है जो सीक्रेट है? गा बहुत अच्छा लेती हैं, शायरी करना चाहेंगी, हमारी टीवी स्क्रीन पर अगर गाना सुना दें रीम शाह और संदल खटक तो मैं कहती हूँ ऑडियंस शायरी सुना दूंगी, गाना नहीं शायरी सुना देती हैं तो गाना में ये वॉशरूम सिंगर है, इतनी अच्छी आवाज नहीं, इतनी प्यारी अच्छा, नहीं है, चले किस तरह की शायरी सुनेंगी? रोमांटिक सुनेंगी? रोमांटिक सुना दे तो हमारी मौजूदा टीम भी खुश हो जाएगी और देखने वाले भी खुश हो जाएंगे। एक शेर सुनाती हूँ, मुझे बड़ा वो किया था, वो है मुसलसल हो मुलाकातें तो दिलचस्पी नहीं रहती, मुसलसल हो मुलाकातें तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब यराने बड़े दिलचस्प होते हैं। क्या बात है संदल, आप गाना सुनाओगी? नहीं, मैं भी यही, जिंदगी को अजाब कहते हैं, आंसुओं को शराब कहते हैं, जिंदगी को अजाब कहते हैं, आंसुओं को शराब कहते हैं, हमारे साथ मत चलो, लोग हमें खराब कहते हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यार इतनी बातें, मतलब लोग जो सियासतदान हैं वो कहते हैं कि यार हम लोग ये और वो, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आप लोगों की वजह से उन्हें बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की कंपनी इतनी अच्छी है कि लोग इनकार नहीं कर पाते, क्या ऐसा ही है? कोई हमसे मिल लेना एक दफा तो फिर वो कहते हैं बस मिलते ही रहे हम। बिल्कुल, और मुझे भी यार बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात।